कहानी एक गांव की। एकीकृत मीडिया प्रशिक्षण कार्यक्रम में डिजिटल स्टोरी टीम, जिसमें मनोहर सिंह चौहान, गणेशी विश्वकर्मा, ब्रजवल्लभ शर्मा, रामकिशन राजपाल, प्रकाश गुप्ता, हरिशन अवस्थी व अन्य सभी साथियों ने मध्य प्रदेश के भिंड जिले के मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र में सिंगवारी पंचायत के अंतर्गत तिलौरी ग्राम की कहानी प्रस्तुत कर रहे हैं। तिलौरी ग्राम चंदेलकालीन अवशेषों को अपने हृदय स्थल में समाये प्रातात्विक धरोहरों की थाती से अपनी प्राचीनता का परिचय देता है। आज से 15 वर्ष पूर्व यह गांव शांति व समृद्धि के साथ शनय शनय प्रगति कर रहा था। तभी शासन की पिछड़े क्षेत्रों को विकास की धारा में लाने की योजना के तहत मालनपुर को औद्योगिक क्षेत्र घोषित कर दिया। हर घर से दो हाथ को काम के वादे के साथ शुरू हुआ विकास का तथाकथित प्रयास। गांव के मुकेश पाल का कहना है कि वादे तो पूरे हुए ही नहीं, नौकरी किसी को नहीं मिली, केवल 6 लोग इस गांव के फैक्ट्री में हैं। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति राम सिंह अपनी धुंधलाती नज़रों व गिरते शरीर को संभाले हुए कहते हैं, 700 से ज़्यादा की आबादी में नौकरी तो नहीं है, पहले पानी था अब तो वो भी नहीं, एक नल 700 लोग कैसे नहाए। पहले खेत में 12 से 14 बीघा धान होता था, हर परिवार पर 100 बकरी थीं, अब तो घर के लिए जगह नहीं, जानवर कहाँ बांधे। वहीं उम्मेद सिंह पंच का कहना है, अगर तुम्हारी कार्रवाई आ जाए तो हमारे कहने सीट से कहना गोद लिब्बा। अभी किसने लिया हुआ है आपको? विक्रम में लवतवान को सुल्तान करी ना कभी यहाँ कभी और ऐसा अपने गांव लिया है, वहाँ आते हैं वो 8 दिन बाद मेडिकल कैंप होता है। कहाँ पे कौन सा गांव लिया है? वो लाचूरे का पुरा। लाचूरे का पुरा किसने लिया? एस आर एफ। गाँव की बुजुर्ग महिला लक्ष्मीबाई कहती है कि यहाँ अस्पताल तो है ही नहीं, मालनपुर में FSI है जो केवल फैक्ट्री वालों को देखे, पानी है नहीं, कोनो फायदा नहीं मिलो है, ना पेंशन मिले है ना राशन। वहीं गांव के उप सरपंच गंगाराम पाल का कहना है, फैक्ट्री से हमारे कोई बेरोजगार बैठे हैं, बेरोजगार फैक्ट्री में कोई तुम्हारे लिए कोई फायदा नहीं आई, जमीन ज्यादा चली गई हमारे, सब चली गई, कोई साधन नहीं दिखी हमारे लिए। आदेश थे के घर पे चाहिए कि आदमी परमानेंट ले जाएगा, ये बिल्कुल दरवाजे में हमारी फैक्ट्री लगी हुई है, उसने हमारे लिए कुछ नहीं सुहा दिया, ना तो पानी की दी, ना कोई लाइट की दी, ना हमारे बच्चे को। तिलौरी ग्राम विकास के दुष्प्रभाव की कहानी है। आधे अधूरे प्रयास व न किए जाने वाले वादों का प्रतिफल है। गाँव का युवा शादी के स्वप्न देखता रह जाता है, बेटियाँ बिना दहेज के अपनी अच्छी ससुराल नहीं देख पा रही हैं, आखिर गरीबों, बेरोजगारों व बिना जमीन वालों को कोई अपनी बेटी कैसे दे। ये कहानी एक निराश गांव की नहीं, पर एक क्षुब्ध, निराश, हताश, आक्रोश को दबाए बैठी युवा गांव की है, जहां अगर आज न देखा तो कल या तो गांव धधक उठेगा या अपराध की स्याह अंधेरों में खो जाएगा।